दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, विंटर फ्लावर तो हमारे यहाँ अब फ्लावरिंग करने लग गए हैं, पर हमारे गार्डन में ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं, परमानेंट प्लांट हैं, जो साल दर साल हमारे पास फ्लावरिंग करते हैं, रुक रुक कर पूरी साल वो फ्लावरिंग कर देते हैं। इस समय मिड नवंबर चल रहा है और उनमें बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं दोस्तों आज के वीडियो में 11 से ज़्यादा और भी ज़्यादा जो है ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और हमेशा उनमें पूरी साल भर रुक रुक कर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के नाम आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बार शुरुआत करना चाहती हूँ मैं मधुमालती से। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशबू वाले शौक है तो आप जो है मधुमालती को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसमें हज़ारों की संख्या में फ्लावर्स आते हैं। इसके फ्लावर जो है सांझ के समय बहुत खूबसूरती देते हैं और एक साथ इस प्लांट पर आपको 3 कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो देखिए कितना ये फूलों से झूमा हुआ है। नवंबर का महीना चल रहा है, बस इसकी फ्लावरिंग बंद होगी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी। दिसंबर लास्ट जनवरी के महीने में इसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। फिर से देखिए फिर से फरवरी में जो है बाद जो है इस फिर से नए नए शूट्स आने लग जाते हैं। तो ये प्लांट जो है हमें अपने गार्डन में जरूर ऐड करना चाहिए। हज़ारों की संख्या में इसे फ्लावर्स आते हैं, साथ ही इसके जो फ्लावर झड़ते हैं उनसे बेहतरीन कंपोस्ट बनती है, क्योंकि जब समर में हमको अपने प्लांट्स को मल्चिंग की जरूरत पड़ती है तो आप इसके जो फ्लावर्स गिरते हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए, किसी बैग वगैरह में इकट्ठे करके रख दीजिए, तो बाद में जो है इसके फ्लावर्स का आप मल्चिंग के लिए यूज करें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं और आपके प्लांट में जो है मॉइस्चर भी मेंटेन रखते हैं और उसके अलावा जो है फर्टिलाइजर का भी काम कर लेते, फिर खुद ही मिट्टी कंपोज हो गए। तो ये पहला प्लांट मधुमालती पूरे साल हमारे पास ऐसे झूम झूम के फ्लावर्स देता है। देखिए कितने हजारों की संख्या में इसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं। दूसरा सेकंड फ्लावरिंग प्लांट है एक्जोरा का प्लांट। एक्जोरा का प्लांट जो है इसकी एक देसी वेराइटी आती है जो बड़ी साइज़ की होती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक दूसरी होती है मिनीचर वेराइटी। ये प्लांट जो है कई कलर में होता है। मेरे पास 4 कलर हैं इसके, 2 मैंने दिखा दिए आपको। और मेरे एक्जोरा में देखिए ये मिड नवम्बर में देखिए नए नए ये बड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए एक कलर ये है। तो इस तरह से बेहतरीन फ्लावरिंग करने वाला प्लांट एक्जोरा का प्लांट पूरी साल फ्लावरिंग करता है, पर इसका पसंदीदा प्लांट सीजन जो होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में जो है इसके ब्लूम्स में एक अलग ही चमक होती है, पर वैसे पूरी साल फ्लावरिंग करेगा। तो इसको इस समय फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसको प्रॉपर सनलाइट देनी पड़ेगी। जहाँ पर आपके गार्डन में ज़्यादा ज़्यादा सनलाइट आती है वहाँ पर आप इस प्लांट को रखें, इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखें, तो ये जो है आपके पास विंटर में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो साल भर फ्लावरिंग करने वाला सेकंड प्लांट है एक्जोरा का। अगर आपको साल भर फ्लावरिंग चाहिए तो ये थर्ड प्लांट जो है बोगनवेलिया का प्लांट है। बोगनवेलिया का प्लांट जो है कई कलर में आता है ये भी। इसको पॉट में लगाइए, इसका बोनसाई शेप बनाइए, या फिर इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक झाड़ी नुमा बन जाएगा प्लांट। उसकी थोड़ी सी कटिंग वगैरह करके आप बिना फर्टिलाइजर के भी ज़मीन में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मिड नवंबर में भी जो है इसमें ऐसी फ्लावरिंग है, और फिर देखिएगा जब बहुत ठंड पड़ जाएगी तब उस समय कुछ समय तक इसकी कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो बहुत ठंड में खिलती हैं। वो गुच्छे वाले फ्लावर मैंने पहले ही बताया था, बोगनवेलिया है, वो भी मेरे पास है। जब नवंबर दिसंबर लास्ट में जब बहुत ठंड पड़ेगी उस समय उसमें बहुत मैरून कलर के बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं बहुत ठंड में भी। इसको कम पानी चाहिए और तेज़ सनलाइट चाहिए, तो तेज़ सनलाइट में रखिएगा। जहाँ पर गार्डन में बहुत तेज़ सनलाइट आई है वहीं पर ये प्लांट जो है फ्लावरिंग पर आएगा, तो बेहतरीन फ्लावरिंग होती है, कई कलर्स में होता है। आप जैसा चाहें वैसा इस प्लांट को अपने यहाँ लगा सकते हैं। रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगाई जाती है, साथ ही जो है अभी हम इसकी जब ज़्यादा ये फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद क्रोनिंग करते हैं, तो जो क्रोन करने के जो पार्ट्स बचते हैं इसके प्लांट की जो स्टेम बचती हैं उनकी भी कटिंग लगा दी जाती है। उनकी कटिंग में स्प्राउट अगर दिसंबर लास्ट या जनवरी में नहीं आएंगे तो फरवरी तक में उनमें स्प्राउट आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है और साल भर इस तरह के आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। एक कलर ये भी है और एक ये येलो कलर, ये भी बहुत ही कम मिलता है ये कलर, ज़रा ढूंढना पड़ता है इस कलर को। आपको मैंने अभी कलरफुल दिखाई है, अब देखिए पीसफुल कलर देखिए, वाइट कलर कितना सुंदर है, ये भी खिला है मेरे गार्डन में। दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है गोरी चोरी का प्लांट, टिकोमा का प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाता है और साल भर देखिए इस तरह की ब्लूम देगा आपको ये। ये रुक रुक कर इसमें भी जैसे बोगनवेलिया वगैरह फ्लावरिंग करते हैं वैसे ही करता है। आप दिखाऊं मैं आपको इसकी हर ब्रांच में, देखिए कितने मेरे जो है शूट्स आए हुए हैं और इस तरह से इसमें ढेरों कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये बेहतरीन प्लांट है, कटिंग से ये भी प्लांट बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो गोरी चोरी का प्लांट भी परमानेंट प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है चंपा का प्लांट। जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, कम पानी की समस्या है, जिन लोगों के पास ना टाइम होता है और ना ही उनके यहाँ पानी भी बहुत कम आता है, तो उन लोगों के लिए चंपा का प्लांट बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट जो है आप इसको 5 दिन में दीजिए, 6 दिन में दीजिए, तब भी ये प्लांट मरेगा नहीं। बहुत ठंड में अपने पत्ते गिरा सकता है, पर ये प्लांट हमेशा आपके यहाँ बना रहेगा। चंपा के प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं और नर्सरी से बना बनाया भी ला सकते हैं। तो इसमें भी कई कलर के फ्लावर्स खिलते हैं आजकल। रेड कलर का चंपा भी आता है, मेरे पास भी है इस समय, इसमें मेरे इस वाले में होगी फ्लावरिंग। ठंडा का प्लांट देखिए कितने सारे इसमें ब्लूम आए हुए हैं, कई कलर्स में आता है। ये पिंक दिखा रही हूँ, रेड भी आता है और वाइट भी आता है। मेरे पास वाइट और पिंक दोनों हैं। दोस्तों मैंने दिखाया था कि मेरा इसका एक पार्ट जो है टूट गया था, क्योंकि मेरा ये ज़मीन में लगा है और बहुत ज़्यादा इसमें ब्लूम्स आए हुए हैं। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्लांट होता है, कोई केयर नहीं चाहिए होती ज़मीन में लगाएं तो। आप अगर पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी सी जो है इसमें जो है फर्टिलाइजर वगैरह देना पड़ता है, पर ज़मीन में लगा होगा तो कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने आप समय से वो आएगा, फिर ब्लूम होंगे, फिर इसकी जो है हम क्रोनिंग कर देंगे, फिर से सीजन आने पर फिर से ब्लूमिंग बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। नेक्स्ट परमानेंट देखिए बालसम सदाबहार, सॉरी इसको बिंका कहते हैं, सदाबहार इसका जो है परमानेंट प्लांट है। कटिंग से लगाइए, सीड से गिर जाते हैं इसके जब फ्लावर्स ख़त्म होते हैं, तो हर सीड पर जो जब फ्लावर ख़त्म होता है वहाँ 2 सीड पॉट रेडी होते हैं, तो उससे भी इसके प्लांट जो है उनके सूखने पर ज़मीन में जब सीड गिरते हैं तो तब भी इसके नए प्लांट तैयार होते हैं। ये देखिए कटिंग से तैयार छोटे छोटे प्लांट, तो बेहतरीन प्लांट होता है, जैसा कि इसका नाम भी है सदाबहार। जब बहुत ठंड पड़ जाएगी उस समय थोड़ी सी इसकी फ्लावरिंग हल्की होती है, वैसे ये साल भर आपके पास फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट है ये लैंटाना का, ये जो है बहुत ही कॉमन प्लांट होता है और बहुत ही आसानी चल जाता है। कम केयर, ज़्यादा धूप और इसमें ये प्लांट जो है फर्टिलाइजर भी नीचे ज़्यादा है, इसको इस प्लांट को आप जो है समर की धूप भी दीजिए तब भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जो है शेड में मत रखिएगा, इस समय भी आपके पास ये प्लांट है तो इसको उठा के सनलाइट में रख दीजिएगा, शेड वाली जगह पर रखेंगे तो ये प्लांट जो है लेगीसा होगा और अच्छे ब्लूम्स नहीं करेगा। ये भी एक परमानेंट प्लांट है, एक तो कलर इसमें ये आता है, एक कलर इसमें मेरे पास कटिंग से तैयार येलो कलर का है। ये इसका ब्लूम भी बहुत अट्रैक्टिव ब्लूम होते हैं और बहुत आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है रोज का प्लांट। दोस्तों रोज की जो वैरायटी होती है, ये तो आपको हाइब्रिड वैरायटी दिखा रही हूँ, इसकी देसी वैरायटी जो है साल भर ब्लूम करती रहती है। मेरी भी जो है बहुत ब्लूम हुए थे, पूरे साल ब्लूम हुए हैं, मैंने अभी क्रोनिंग कर रखी है तो सब में मेरी जो है कलियाँ बन गई हैं फिर से। तो कलियाँ बनने के बाद जो है पूरी सर्दी भर वो फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद बहुत ठंड जब गर्मी पड़ेगी भीषण, उस समय उसके ब्लूम छोटे हो जाते हैं। तो रोज का प्लांट एक बेहतरीन परमानेंट प्लांट होता है। नेक्स्ट दोस्तों परमानेंट प्लांट है पेंटाज का प्लांट। पेंटाज का प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार होता है, कई कलर में आता है। ये भी ये पिंक कलर देखिए, ये रेड कलर और ये है वाइट कलर। आपको इस प्लांट को भी इस समय जो है धूप में रखना पड़ेगा, अगर धूप में नहीं रखेंगे तो ब्लूमिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है इनको गर्मी पसंद वाले प्लांट होते हैं, इसलिए इनको विंटर की तेज़ सनलाइट जहाँ पर आती है वहीं पर रखने पर इनमें ब्लूमिंग हो पाती है। दोस्तों नेक्स्ट परमानेंट इसको हम भूल नहीं सकते, गुड़हल है, बहुत अच्छे ब्लूम होते हैं। सर्दियों में इसके फूल ज़्यादा टिकते हैं, गर्मियों में थोड़ा इसके फूल जल्दी झड़ते हैं, एक दिन ही टिकता है, सर्दियों में 2 से 2 दिन तक आसानी से इसका फ्लावर रह जाता है। तो ये प्लांट जरूर लगाना चाहिए, देसी वैरायटी में आपको हजारों की संख्या में फ्लावर्स मिलेंगे और बेहतरीन खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसके। दोस्तों नेक्स्ट है यूफोरिया मिली का प्लांट। यूफोरिया मिलेटी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मिनिएचर वैरायटी है और ये देखिए ये कलरफुल वैरायटी है। तो ये भी बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट है, बिल्कुल लो केयर में चलने वाला प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती, अपने समय आने पर खुद बहुत फ्लावरिंग करता है। ज़्यादा प्लांट पुराना होने पर कटिंग से नया प्लांट तैयार कर देना चाहिए और इस प्लांट में जो है कम पानी देना है, तेज़ सनलाइट इस प्लांट को दें तभी इसमें बेहतरीन फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों नाग चंपा का प्लांट, जैसे चंपा वैरायटी दिखाई थी मैंने, नाग चंपा का प्लांट भी ये भी पूरे समर से लेकर अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है, मिड नवंबर तक। बस कुछ समय के लिए इसकी फ्लावरिंग थोड़ी स्टॉप भी हो सकती है, तब हम कटिंग से नए प्लांट बना लेते हैं जिस समय इसकी फ्लावरिंग स्टॉप होती है। तो ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में ऐड करने के लिए बेहतरीन प्लांट होता है। नेक्स्ट दोस्तों जरबेरा का प्लांट है। जरबेरा का प्लांट भी एक बार लाते हैं तो आप सालों साल अपने पास बना रख सकते हैं। गर्मियों में इसको थोड़ा शेड में देना पड़ती है, जहाँ पर सनलाइट कम आती हो वहाँ रखना पड़ता है। दूसरा जो है प्लांट की जो है ओट में रखना पड़ता है, जिससे कि इसको ह्यूमिड क्लाइमेट मिले और थोड़ी ठंड मिले। तो ये प्लांट जो है उस समय जो इसके फ्लावर खिलते हैं उनकी स्टिक बहुत लंबी हो जाती है और विंटर में इनकी छोटी सी स्टिक में ही देखिए बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। तो ये भी हमारा परमानेंट प्लांट है। मैंने तो जरबेरा के इस तरह से कई प्लांट इकट्ठे कर रखे हैं।
नेस्ट है लॉलीपॉप फ्लावर, ये भी सालों साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसकी जो है समर होती तब भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, विंटर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो इस प्लांट को भी हम अपने गार्डन में परमानेंट प्लांट के फ्लावरिंग के तौर पर इस्तेमाल रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गिलार्डिया, ये होने को सीजनल प्लांट जैसे होते हैं, पर एज ए परमानेंट प्लांट के तौर पर भी हम अपने गार्डन में इनको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे ब्लूम आते हैं इनके अंदर, और ये जो जितने भी ब्लूम आते जाएँ इनको काटते जाएँ, प्लांट को भूसी बनाते जाएँ। जब प्लांट आपका बहुत बढ़ जाता है तो बहुत ठंड पड़ेगी जिस समय, उस समय इसकी बहुत हार्ड क्लोनिंग करके छोड़ दें, तो फरवरी में फिर से नए शूट होकर इस तरह से हमारा एक प्लांट जो है, जो सीजनल प्लांट होता है, वो भी परमानेंट प्लांट के तौर पर साल दर साल हमारे पास बना रह सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने गार्डन के बहुत सारे परमानेंट प्लांट दिखाए, फ्लावरिंग प्लांट दिखाए परमानेंट, उनमें साल दर साल फ्लावरिंग होती है। आपको उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप भी अपने गार्डन में इन प्लांट्स को ऐड करें और इनकी जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करें। तो बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, कम केयर में चलते हैं। अब मेरा ये देखिए, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, कितने अच्छे ब्लूम आए हुए हैं, पर ये कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय के बाद इसके प्लांट की लाइफ ख़त्म और जो है प्लांट फिर से हमको नया प्लांट सीड से ही तैयार करना पड़ेगा। मेरे देसी सालविया देखिए इनमें ब्लूम कितने अच्छे होने लग गए हैं। अब मैं आपको अपनी गुलदावरी की बर्ड्स दिखाते हुए आज का वीडियो समाप्त करूंगी। मेरी गुलदावरी में देखिए कितने ढेरों बर्ड्स आई हुई हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जो है विंटर फ्लावर की पूरी एक जो है क्यारी जैसी बन जाएगी। सब पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स हैं मेरे, और सब मेरे कटिंग से तैयार प्लांट हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक भी गुलदावरी का प्लांट इस बार नर्सरी से लेकर नहीं आई हूँ, ये सब मेरी मेहनत और मैंने जिनके संग टाइम लगाया है वो है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।